आज हम जा रहे हैं अटलांटिक सिटी। हमारा ड्राइवर एज यूजुअल, अब ये नया ड्राइवर आ गया है, आज जरा हीरो बना हुआ है चश्मे वश्मे में और फटी हुई भी है। जरा आप एक्सप्रेशन देखिए, थोड़ी सी उनकी हालत भी खराब हो रही है, पता नहीं क्यों। और अटलांटिक सिटी में ज़्यादा कुछ है नहीं, इसलिए हम आज ही जाके लौट के आ जाएंगे रात में। अभी 12:30 बज रहा है और पहुँचेंगे हम कोई 2 बजे के आसपास और रात में हम लौट आएंगे। हमारे घर से कुछ 150 माइल दूर है, तो 2.5 घंटे का रास्ता है। और आज धूप निकली हुई है, बढ़िया है। अटलांटिक सिटी में सिर्फ कैसिनोज है। अटलांटिक सिटी ईस्ट कोस्ट का लास वेगास बोलते हैं। अब लास वेगास जैसा तो नहीं है, लेकिन ईस्ट कोस्ट में क्योंकि जो है कैसिनोज शुरू में नहीं थे, इसलिए ये जगह बनाई थी। अब तो हो गए हैं बाकी जगह भी, तो अब ये जगह का धंधा थोड़ा ठंडा है। तो वहाँ सिर्फ कैसिनोज है और एक ब्रॉड वॉक है समुद्र किनारे, कुछ फट्टे लगा के कुछ बनाया हुआ है, अभी जाके देखेंगे। तो ज़्यादा कुछ है नहीं देखने को, बस ये है कि हमने एक डेस्टिनेशन कवर कर लिया, तो देखते हैं वहाँ क्या है। तो अभी ट्रैफिक थोड़ा स्लो है यहाँ पर, अब आगे हम बाद में। आपको कुछ बोलना है ड्राइवर साहब? मिस्टर ड्राइवर भाई, ड्राइवर को कुछ नहीं बोलना है। चलो, और हम ऊपर से व्यू दिखा दें, खुला मौसम। अटलांटिक सिटी और ये है यहाँ का ब्रॉड वॉक। ये सारे कैसिनोज वगैरह हैं, ये सीधे कैसिनो है, इसमें भी हम जाएंगे शायद। और ये ऐसे लकड़ी का ब्रॉड वॉक है। 5.5 माइल्स लंबा है। ये हमारा ड्राइवर, हम अपने ड्राइवर को भी अपने साथ घुमाते हैं, हम बड़े अच्छे मालिक हैं। ड्राइवर ये रहा समुद्र और ये रहा बोर्ड वॉक, वाइट सैंड है। और वहाँ अच्छा झूले दिख रहे हो, वो है स्टील पेयर, ये है सेंटर पेयर। वीडियो बनाओ? नहीं, तो वीडियो बन गई है। कोई बात नहीं। अरे ये कौन चल रहा है? ये देखो कौन चल रहा है, इनको दो लोग चल रहे हैं। ओह बाय द वे, ये है ट्रंप राजमहल। अभी मैं ट्रंप का कैसीनो। अब उसकी डिटेल्स तो मुझे नहीं पता है, आप ही बताइए। फिलाडेल्फिया इज 98 माइल्स फ्रॉम आवर प्लेस वॉटन, और फिलाडेल्फिया यूएस की शायद 5th लार्जेस्ट सिटी है। यहाँ पर हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंस है उसका, क्योंकि जब वहाँ पर उनका डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस साइन हुआ था, उनका कॉन्स्टिट्यूशन वहीं साइन हुआ था। अगर किसी ने जो है नेशनल ट्रेजर पिक्चर देखी हो तो लिबर्टी बेल वहीं पर है, बेंजामिन फ्रैंकलिन का घर था वहाँ,
तो देखने को काफ़ी कुछ चीज़ें हैं वहाँ पर, इसलिए जा रहे हैं। 2 घंटे का रास्ता है, होटल बड़े महंगे हैं इसलिए हम वहाँ रुक नहीं रहे हैं, शाम को रात को लौट के आ जाएंगे। और पास भी है, इट्स जस्ट 100 miles, तो वी कैन ऑलवेज गो एंड कम बैक द सेम डे। यस अमोई, बाकी का बीच बीच में हम वीडियो लेते रहेंगे। फिलाडेल्फिया और यहाँ पर ये इंडिपेंडेंस विजिटर सेंटर है जो कि फर्स्ट स्टॉप होना चाहिए। यहाँ पर से हमें सामने जो आपको बिल्डिंग दिख रही है ये इंडिपेंडेंस हॉल है, यहीं इनका फ्रीडम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ फ्रीडम साइन हुआ था और कॉन्स्टिट्यूशन भी यहीं साइन हुआ था। तो इसकी टिकट हमें मिला है 3:15 बजे के, और बीच में यहाँ पर लिबर्टी बेल है वो भी हम देखेंगे। पीछे की तरफ कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर है, डिटेल वहाँ पर क्या होता है वो इस कागज पर लिखा हुआ है, जैसे कि मेरे को पता नहीं वहाँ क्या होता है, लेकिन अभी हम लिबर्टी बेल देखने जा रहे हैं। सबसे पहले आओ, और हम यहाँ पर आए द फिलाडेल्फिया म्यूजियम ऑफ आर्ट, उधर है वो, फोकस ऑन दैट। ये मूवीज में शॉट किया, सबसे वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेसेस है एंड व्हाट वी फाउंड ओवर हियर इज देयर इज अ फीस गोइंग ओवर हियर। यहाँ पर इंडियन फीस चल रही है, फेस्टिवल ऑफ इंडिया, रथ यात्रा। ये रथ देखो, जगन्नाथपुरी के रथ है और आलू पूरी खाने को मिल रहा है। ये हमारा पेट भरा हुआ तो तेली तेली लग रहा है, हम नहीं खा रहे थे। कौन वाले करा रहे हैं, भगवद गीता का सेशन चल रहा है दूसरा कपल शादी का वो फोटोग्राफी करने के लिए आए, अभी एक आए थे एक चले गए, और अभी किसी ने और अभी किसी ने यहाँ पर किसी को प्रपोज किया, सबने तालियां बजाई।